और फिर से आपको झुंझुनू के झुंझुनू लेकर चलते हैं, जहां पर लगातार खरियान खदान में फंसे 15 अधिकारियों में से 3 अधिकारियों का रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन अब देखना है कि रेस्क्यू का वो कब गाड़ी निकलती है। और करीब 13 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, सभी अधिकारियों को बाहर लाने की कोशिश लगातार तेज है। प्रीतम, AK शर्मा और हंसीराम को बाहर निकाल लिया गया है। तो झुंझुनू की खेतड़ी में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, तीनों को जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। जो 3 अधिकारी निकले थे, लेकिन लगातार हमारे संवाददाता वहां मौके पर जुड़े हुए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर्पल की अपडेट देख रहा है न्यूज 18 राजस्थान, कि वो झुंझुनू के खेतड़ी के खलिहान खदान में फंसे कल रात से अधिकारी, जो बचे हुए अधिकारी हैं, वो कब बाहर निकलेंगे। कृष्ण लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्ण, क्या दूसरी गाड़ी निकलकर बाहर आ गई? कि अभी जो बाहर जो प्रशासन का दस्ता है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है, और कुछ देर पहले हिंदुस्तान जिंक का एक रेस्क्यू दल है वो भी यहां पर पहुंचा है, और जो खदान का द्वार है वो कुछ ही क्षण में है वो खुलेगा। और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मेडिकल स्टाफ की टीम है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, और जो गेट है उसके खुलने का इंतजार किया जा रहा है। कलेक्टर हैं वो भी लगातार यहाँ पर जो हैं वो एम्बुलेंस के साथ जो मेडिकल स्टाफ है उनसे बातचीत करते हुए दिशा निर्देश दे रहे हैं, और यहाँ से इनको जो वो जो नज़दीकी जो खेतड़ी का KCC अस्पताल है वहाँ ले जाया जाएगा। तो कृष्ण, थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है कि वहां पर आ रहा है, लेकिन फिलहाल कृष्ण वहां पर मौजूद है। वो बता रहे हैं कि मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि एक सायरन बजती है जहां पर ये दो गाड़ी आपको एम्बुलेंस की दिखा रहे हैं हम तस्वीरों में, उसके पीछे एक गेट है और वही खदान का गेट है जहां पर गाड़ी जाती है और गाड़ी बाहर निकलती है। गाड़ी बाहर निकलने से पहले सायरन बजता है, तो वहां मेडिकल की गाड़ियों को और मेडिकल की जो टीम है उनको बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया है। कृष्ण, आप यही जानकारी दें, मतलब किसी भी वक्त रेस्क्यू की वो गाड़ी अधिकारियों को लेकर बाहर आ सकती है। कृष्ण जी, मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से जो प्रशासन और जो मेडिकल दस्ता है वो अलर्ट हो गया है, और किसी भी पल जो है वो रेस्क्यू की जो गाड़ी है वो बाहर आ सकती है, और पूरे का पूरा जो प्रशासन है वो अलर्ट पर है, और साथ ही मेडिकल का जो दस्ता है यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ वो भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। संभवतः अंदर से इनपुट मिला होगा कि कुछ ही क्षण में जो ये द्वार खुलेगा और उसके बाद है वो यहाँ पर रेस्क्यू का जो वाहन है वो पहुंचेगा, और फिर उस रेस्क्यू के जो वाहन में जो जो लोग अंदर से रेस्क्यू कर लाए गए हैं उनको इन एम्बुलेंस में। ठीक है, ठीक है कृष्ण, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पल